नमस्कार, मेरा नाम है शमीम और आप देख रहे हैं शमीम 7200। आज बात करते हैं फ़्लाइट्स के बारे में। जी हाँ, सुनने में आ रहा था कि दुबई जल्द ही अपनी फ़्लाइट को चालू करेगा जो सस्पेंड है, मगर ऐसा नहीं हुआ। दुबई ने अपनी फ़्लाइट को चालू करने का ऐसा कोई भी संदेश नहीं दिया है कि जिससे हम ये आंकड़ा लगा सकें कि 1 से 2 दिन या 1 वीक में फ़्लाइट चालू हो जाएगी। हमारी उम्मीद थी कि फ़्लाइट जल्द ही चालू हो जाएगी, क्योंकि इंडिया से डायरेक्ट सऊदी या कहें रियाद की फ़्लाइट बैंड है, सस्पेंड है, जो कि तकरीबन 1 साल होने को है और डायरेक्ट फ़्लाइट बंद है। मगर बहुत से लोग जो इंडिया में आके फंस गए हैं सऊदी से, या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, बहुत सी जगह पे आके फंस गए हैं, वो बाया कंट्री का सहारा ले रहे थे, बाया कंट्री होके क्वारंटाइन होके 14 दिन और सफ़र कर रहे थे सऊदी का। मगर दुबई एक जरिया था अच्छा, जो उम्मीद जताई जा रही थी कि दुबई से खुलेगी तो हम दुबई टू सऊदी सफ़र कर लेंगे दुबई में 14 दिन क्वारंटाइन होके, मगर ऐसा नहीं हुआ। दुबई ने एकदम साफ़ कह दिया है कि हम 21 जुलाई तक फ़्लाइट को चालू नहीं कर रहे हैं। तो हमारी उम्मीद थोड़ा सा यहाँ पे लड़खड़ाई, हमें उम्मीद थी कि दुबई जल्दी चालू कर देगा और हम वाया दुबई होके चले जाएंगे, क्योंकि तमाम जो कंट्रियाँ हैं, इथियोपिया हैं और उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ऐसे बहुत सी कंट्री है जो फ़्लाइट ले रही थी और वाया होके भेज रही थी सऊदी, मगर उसका चार्ज समथिंग 2 लाख के ऊपर जा रहा है, जो कि बहुत से लोगों के बजट के बाहर है। तो हम लोगों ने उम्मीद जताई थी कि दुबई की फ़्लाइट जल्दी चालू होगी तो हम वाया दुबई होके चले जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। दुबई ने साफ़ जाहिर कर दिया है कि अभी कुछ हफ्तों तक फ़्लाइट को चालू नहीं करेगा, यानी कि हमारी जो एक उम्मीद थी वो अभी उस पर एक पूर्ण विराम लग गया है। और जल्दी उम्मीद करते हैं कि जल्दी ऐसी खुशखबरी आएगी जो हम आप से लोगों से शेयर करेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएँगे। वीडियो को पूरा देखें और चैनल पे बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।